रानू मंडल नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये नाम सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। बीते दिनों रानू मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरजे न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिसमें वो लता मंगेशकर का फेमस सॉन्ग गाती नजर आ रही थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया क्योंकि इनकी आवाज बिल्कुल लता मंगेशकर से मिल रही थी। अब खबर है कि रानू को बॉलीवुड में एंट्री मिल गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। सिंगर कंपोजर हिमेश रेशमिया ने वेस्ट बंगाल के रानू मंडल से एक गाना गवाया है। हिमेश ने रानू से गाना गवाने का वादा किया था, जो अब उन्होंने पूरा कर दिया है, जिसका वीडियो हिमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरा नया गाना तेरी मेरी कहानी रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये गाना हैप्पी हार्डी और हीर का गाना है। रानू मंडल की खूबसूरत आवाज में इसे रिकॉर्ड किया गया। आपके सभी सपने सच हो सकते हैं अगर आप उन्हें पूरा करने की चाह रखते हैं। एक सकारात्मक सोच सभी सपनों को पूरा कर देता है। आपको बता दे, हिमेश रेशमिया ने रानू की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी आवाज बहुत सुरीली है, ये मन मोह लेती है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, सोशल मीडिया पर रानू मंडल के कई गाने वायरल हो चुके हैं, जिन्हें लोगों ने खूब शेयर करने के साथ साथ पसंद भी किया। लोग उनकी आवाज के दीवाने हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।